हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको काइन मास्टर के जरिए स्नो फॉलिंग इफेक्ट बनाना सिखाएंगे। अभी जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं इस तरह के स्नो फॉलिंग इफेक्ट को कैसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको काइन मास्टर के जरिए इस तरह के इफेक्ट्स को बनाना सिखाएंगे। सो लेट्स बिगिन टू अवर वीडियो। तो दोस्तों यहाँ से आपने क्रिएट न्यू में जाना है और उसके बाद आपका जो भी रिक्वायर्ड रेशियो है इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए और यहाँ से आपने अपना वीडियो इंपोर्ट करना है जिस पे आपने स्नो फॉलिंग इफेक्ट बनाना है। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, एक बार मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहां से आपने एक स्नो वाली वीडियो को सेलेक्ट करना है ताकि हमारा एक्सपोर्टेड वीडियो मजीद अट्रैक्टिव लगे और उसके बाद यहां से आपने अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है। यहां से आपने नीचे आना है, यहां से आपने कलर फिल्टर में जाना है, यहां से आपने बेसिक कलर में जाना है और यहां से अगेन आप थोड़ा नीचे आ जाइए। यहाँ से आपने B09 आपने ये सेलेक्ट करना है। आप अपनी वीडियो के हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने यहां से अगेन नीचे आना है, यहां से आपने एडजस्टमेंट में जाना है और यहां से आपने अपने वीडियो को थोड़ा मजीद एडिट करना है। यहां पे जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है आपने इसको कम करना है, आपने इसको करना है 25। उससे नीचे कंट्रास्ट है आपने उसको करना है +10 और यहाँ से आपने वाइब्रेंस को भी +10 करना है और उससे नीचे टेम्परेचर का ऑप्शन है आपने इसको करना है -10 और उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके करना है। फ्रेंड्स आप अपने वीडियो के ब्राइटनेस को देख के इसमें कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ उसके बाद आपने यहाँ से लेयर में जाना है और यहाँ से आपने स्टिकर में जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्नो इफेक्ट डाउनलोड करना पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, आपने यहाँ से सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप फेक स्नो का इफेक्ट देख सकते हैं। आपने इस इफेक्ट को कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए आपने यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर के ऑप्शन में उसके राइट साइड पे आपने सीजनल में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नो ब्लावर, आपने इसको पहले डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने इस इफेक्ट को अपने वीडियो में यूज करना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पे करना है कुछ इस तरह से और यहाँ से मैं इसके टाइमिंग को इंक्रीज करता हूँ जितना हमारा वीडियो है वहां तक और अगेन एक बार मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बहुत ही कमाल का स्नो इफेक्ट बन चुका है और फाइनली थोड़ा सा एडिटिंग हमने मजीद करना है। यहाँ से आपने अपने स्नो ब्लावर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ओपेसिटी में जाना है, यहाँ से आपने इसके ओपेसिटी को कम करना है, आपने इसको करना है अराउंड 60 तक और उसके बाद अगेन आपने यहाँ से लेयर में जाना है, यहाँ से आपने स्टिकर में जाना है और अगेन आपने इसी इफेक्ट को एक बार और यूज करना है। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अगेन आपने इसको फुल स्क्रीन पे करना है और अगेन इसके टाइमिंग को मैं इंक्रीज करता हूं और अगेन आपने इस लेयर को सेलेक्ट करना है, अगेन ओपेसिटी में जाना है और अगेन आपने इसको 60 तक लाना है और यहां से आपने इसको ओके करना है। तो फ्रेंड्स फाइनली अगेन मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं, यहां से आप स्नो फॉलिंग इफेक्ट नोट कीजिए। और उसके बाद आखिर में आपने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से आपने इसको सेव करना है और एक बार मैं आपको एक्सपोर्ट करने के बाद भी ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे।
तो फ्रेंड्स फाइनली अगेन मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं, यहां से आप स्नो फॉलिंग इफेक्ट नोट कीजिए। तो दोस्तों इस तरह करके आप भी काइन मास्टर के जरिए स्नो फॉलिंग इफेक्ट बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको काइन मास्टर से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।